हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे श्री मोबाइल लातू चैनल। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे वन प्लस का वन प्लस सेवन प्रो मोबाइल है, जिसमें प्रॉब्लम है डंप क्रैश मोड। और देख सकते हैं कि डिस्प्ले पे जो लाइन आ रही है, ऐसे लाइन आके रिस्टार्ट होता है, और कभी कभी ये डंप क्रैश मोड में भी आ जाता है, और कभी कभी डेड कंडीशन में भी डायरेक्टली EDL पोर्ट दिखाता है, जो 9008 पोर्ट दिखाता है अपना क्वालकॉम पोर्ट, वो भी दिखा रहा है। तो एक ही मॉडल में बहुत सारे प्रॉब्लम है, या फिर जितने भी वन प्लस के 6 से लेकर आगे के मोबाइल है उसमें डबल डेकर रैम की इश्यू है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, डबल डेकर आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा, या फिर ओनली रैम भी आप रिवॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं इसका डिस्प्ले में जो लाइन आ रही है, देख सकते हैं थोड़ी बाद लाइन आके ये रिस्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कभी कभी ये डंप क्रैश मोड भी आ जाता है, या कभी कभी ऑन भी नहीं होता। तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो इसका जो रैम है वो रिवॉल्व करके हम चेक करेंगे। अगर ओनली आपको रैम रिवॉल्व करना है तो आपको रैम रिवॉल्व करके उसका जो करंट स्क्वेंस होता है, जो 130 या 140 पे स्टक होना पड़ेगा, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से रैम को निकाल के उसको चेक करने के बाद आपको अगर उसका करंट 130 या 140 तक स्टक हो रहा है विदाउट रैम, तो आप ओनली रैम रिवॉल्व करके अब बिटा सकते हैं। तो देख सकते हैं हम इसकी ओनली रैम निकाल रहे हैं अभी।
सो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने जो रैम है कम्प्लीटली रिवॉल्व कर दिया है। अब हम इसका चेक करेंगे कि बूटिंग सीक्वेंस देख सकते हैं 140, 130 या 150 के आसपास स्टक हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा सीपीयू निकालने की ज़रूरत नहीं। तो देख सकते हैं डायरेक्टली हम इसको जो है रैम बिटाएंगे। तो देख सकते हैं सीपीयू की जो ऊपर की बॉल है वो अच्छे से क्लीन करना है आपको, जो उसका ब्लैक पेस्ट है वो अच्छे से साफ़ करना है और उसके बाद ही आपको रैम बिटाना है। जो आपका टेम्परेचर होगा जो रैम निकालने का वो रहेगा 340, एयर रहेगा 2 अगर आपका क्विक 857 DW प्लस है तो। और बिटाने के लिए आपको 320 या 340 तक भी आप हीट रख सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका जो नोच कट पॉइंट था उसी तरह से हम इसको बिटाएंगे और अच्छे से इसको हम फाइनल टच देके आपको चालू करके बताएंगे। वीडियो एंड तक देखिए। अगर मेरे चैनल पे नए जुड़े हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल हो उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो। सो फ्रेंड्स कम्प्लीटली हमारे रैम बैठ चुके हैं और देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है कि नहीं। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो चुका है और हम चेक करेंगे जो हमारा प्रॉब्लम था डिस्प्ले में लाइन आ रही थी या फिर मोबाइल कभी कभी डंप क्रैश मोड में जा रहा था, तो इसकी बैटरी लो है हम चेक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा जो फ़ोन है कंटिन्यूसली वन प्लस के लोगों पे नहीं रुक रहा था। देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल है कम्प्लीटली ऑन हो रहा है। देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है कम्प्लीटली ऑन हो चुका है और इसमें कस्टमर का बहुत इम्पोर्टेंट डाटा था इसलिए वो सर्विस सेंटर गया था सॉफ्टवेयर मारने के लिए, लेकिन किसी ने हमारा एड्रेस दिया और उनका डाटा भी बचा लिया और उसका जो फ़ोन है उनका जो मदरबोर्ड है वो भी बचा लिए। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।